बालाजी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित बालाजी कदम चैंपियंस ट्रॉफी 2021 यहां पर जिसका फाइनल मुकाबला शानदार हुआ है और ये लेदर बॉल के टूर्नामेंट थे जिसमें बहुत से बड़े बड़े इनाम की रकमें रखी गई थी और शानदार ट्रॉफी रखी गई थी। हमारे साथ रनर अप टीम है, उनके कैप्टन हैं, उनसे बात करते हैं आज का जो टूर्नामेंट रहा है कितना ज़्यादा ये टूर्नामेंट अहम है क्योंकि युवाओं को जिस तरह से कोरोना की वजह से 2 साल से गेम्स बंद थे अब ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुए हैं और ये कितनी अच्छी बात है और ये बालाजी ट्रस्ट की तरफ से रखा गया क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए टूर्नामेंट बहुत मायने रखता है क्योंकि ये टूर्नामेंट परवन डिस्ट्रिक्ट का है और हमारे परवन डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट में पूरे बच्चे खेलते हैं परवन डिस्ट्रिक्ट के, तो बाहर के प्लेयर का कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो हमें अच्छा खेलने का मौका मिला और हमारे युवा बच्चों को भी खेलने का मौका मिला और हमें अच्छा लगा खेल कर यहाँ पर बालाजी टेस्ट टूर्नामेंट खेलने का। आप रनर अप रहे जी? हम आप रनर अप रहे। आपकी टीम का नाम? हमारी टीम का नाम PDCC है और परवन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब है, तो हमारा क्लब स्टेडियम पर खेलता है लेकिन टूर्नामेंट खेल कर हमको बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी आया। कितना आपका सेकंड प्राइज कितना था? तो सेकंड प्राइज ये टूर्नामेंट का रनर अप का 21,000 है ट्रॉफी और प्राइज और ट्रॉफी है जी। आनंद भरोसे इनके तरफ से? हाँ, आनंद भरोसे के इनके ओर से हमको 21,000 का प्राइज मिला है सेकंड प्राइज। फर्स्ट ओवर आपके तुलसी क्रिकेट क्लब रहेगा है फर्स्ट प्राइज और ट्रॉफी 31,000 प्राइज है उसका भी। तो मुदस्सिर खान साहब है शू पैलेस के ओनर है जिन्होंने आज बेस्ट फील्डर के यहाँ पर ट्रॉफी और यहाँ पर इनामत दिए हैं, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर खान, आपने जो इस टूर्नामेंट में जो बालाजी कदम चैंपियंस ट्रॉफी रखी गई थी इसके फाइनल मुकाबले में आपने जिन टीमों को प्राइज दिया है इनामत दिए हैं क्या कहें? ये बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो लेदर टूर्नामेंट कंडक्ट किया है मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह के टूर्नामेंट कंडक्ट करना चाहिए। आज के टाइम में जो 4G 5G है तो लोग सिर्फ और सिर्फ इंडोर गेम्स और पबजी की तरफ जाते हैं लेकिन आउटडोर गेम का क्रेज कम हो रहा है, सो इस तरह के आउटडोर गेम कंडक्ट करना चाहिए और इसमें हमने स्पॉन्सरशिप किया था बेस्ट फील्डर के लिए और इस तरह के टूर्नामेंट में हम हमेशा स्पॉन्सरशिप करते रहेंगे। शू पैलेस की तरफ से हमेशा हम स्पॉन्सर करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो लेदर बॉल के जो टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर किया गया था नितिन ग्राउंड बसमत रोड पर, ये शानदार मुकाबले रहे। 12 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये मुकाबले चले और इसमें जो रनर अप टीम रही है PDCC क्रिकेट क्लब, इस रनर अप रहने के बाद भी सेकंड प्राइज हासिल करने के बाद भी शेख अबू बकर उर्फ भाईजान सैयद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर, इन्होंने PDCC क्रिकेट क्लब को उनकी ओर से 51,000 का अलग से पारितोषिक दिया है, नाम दिया है, ये खास बात है। हमारे साथ तुलसी क्रिकेट क्लब के कैप्टन हैं, उनसे बात करते हैं। अमान शेख है हमारे साथ तुलसी क्रिकेट क्लब जो आज के इस टूर्नामेंट के विनर रही है, उनसे बात करते हैं। अमान भाई, कैसे आपको महसूस हो रहा है क्योंकि आपने फाइनल मैचेस का ये टूर्नामेंट जीता है और बहुत कड़ा मुकाबला रहा ये और PDCC के साथ भी कड़ा मुकाबला था, इस ट्रॉफी को हासिल करने के बाद क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये जो जवार की जो क्रिकेट टीम है जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर परवानी डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे एक प्लेयर है बालाजी कदम जो अभी दुनिया में नहीं रहे वो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयर थे यहाँ पर परवानी, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर थे, उनके याद में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जवार क्रिकेट टीम ने, तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और अच्छे मैचेस कराए, तो अच्छे अच्छे टीम आए थे यहाँ पर पूरे परवानी जिले के, मतलब अच्छे अच्छे टीमों को उन्होंने एंट्री वगैरह करके ऑर्गेनाइज़ किया था लेदर बॉल से। जी जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा इवेंट उन्होंने यहाँ पर रखा था परवानी का और हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि जो इतना बड़ा इवेंट परवानी में पहली मरतबा हुआ है तो उसको हासिल करने के लिए हमारी बहुत इच्छा थी और काफ़ी अच्छी मेहनत की लड़कों ने, अच्छा खेला है और इसलिए हम वो दावेदार बने हैं तुलसी टीम के। हाँ, तुलसी क्रिकेट क्लब जो हमारी टीम है परवानी है फर्स्ट रही है और जो रनर अप है उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है PDCC वालों ने भी, लेकिन हम डिजर्व करते थे ये टीम के लिए फाइनल के लिए और हमारे लड़के अच्छा खेले बोल के हम आज ये फाइनल जीत चुके हैं। साथ प्रवीण चालक साहब है जो जवार क्रिकेट का जो ये पूरा आयोजन यहाँ पर होता है इनके वो जिम्मेदार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो फाइनल मैचेस हुए हैं जिसमें तुलसी क्रिकेट क्लब ने शानदार विनर रहा है तुलसी और रनर अप PDCC, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा बोथ द टीम्स को, उन्होंने काफ़ी बढ़िया इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन दिखाया और काफ़ी बढ़िया गेम दिखाकर आज तुलसी विनर बनी है और PDCC रनर अप हुई है। तकरीबन 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में सहभाग लिया था और काफ़ी बढ़िया मैचेस इस टूर्नामेंट में हमें सभी को देखने को मिले, प्रेक्षकों ने भी बहुत मज़ा लिया इसका। और मैं ये जो टूर्नामेंट है एक्चुअली जो लड़का आज इस दुनिया में नहीं है जिसका नाम है बालाजी कदम, काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर था मेरी टीम का,
लेकिन उसकी याद में मुझे कुछ ना कुछ लगता था दिल में कि कुछ ना कुछ उसके लिए होना चाहिए और हमारे क्रिकेट को भी परभणी ज़िले के बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए लेदर बॉल के ऊपर ये टूर्नामेंट हमने इस हमारे कमेटी ने हमारे जब सभी टीम के मेंबर्स ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए और सभी का मेहनत रंग लाई और ये शानदार टूर्नामेंट सभी स्पॉन्सरर्स का भी मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने टाइम टू टाइम हमारी मदद की और लास्ट तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद की और हमें इतना शानदार जो टूर्नामेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन करने का मौका मिला और इनके मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच उनका सभी का तहे दिल से मैं उनका थैंक यू कहूँगा। संत तुकाराम महाविद्यालय इसके ग्राउंड में बसमत रोड पर यहाँ पर जो 12 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक लेदर बॉल के जो टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर प्रवीण सर और उनकी पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर किया है, शानदार मुकाबले रहे और उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर मुकाबले देखने में दिलचस्प थे क्योंकि लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो दर्शक थे उन्होंने भी इसका काफ़ी मज़ा लिया और बालाजी कदम साहब जो मरहूम हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद में ये टूर्नामेंट रखे गए थे। वो खुद अपने आप में एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और उनकी याद में ये टूर्नामेंट रखे गए थे जिसमें शानदार मुकाबलों में तुलसी क्रिकेट क्लब ने फाइनल यहाँ पर मुकाबला जीता है जिसका 31,000 रुपये जो साजिद अंसारी साहब इन्होंने इस पहले इनाम को दिया है और ट्रॉफी शानदार ट्रॉफी और जो रनर अप टीम रही PDCC उसके भारतीय जनता पार्टी के परभणी महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे इन्होंने दूसरा 21,000 का प्राइज और ट्रॉफी ये उनकी तरफ से दिया गया और दूसरे तमाम जो मुकाबले में जो इनाम थे जिसमें शू पैलेस की तरफ से बेस्ट फील्डर के लिए उन्होंने रखा था और उन्होंने पूरे इस टूर्नामेंट में अपने शू पैलेस की तरफ से स्पॉन्सरशिप यहाँ पर ली थी और बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले हैं और उम्मीद की जा सकती है कि प्रवीण चालक सर और इनके जो पूरी टीम है आने वाले दिनों में लेदर बॉल को ऐसे ही परभणी में बढ़ावा देंगे और दर्शकों को और परभणी की जनता को क्रिकेट का आनंद लेने में यहाँ पर ज़रूर ऐसे टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभणी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरेश।